नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मेरठ की, जहां पर ई रिक्शा से जा रही महिला से बाइक सवार बदमाश ने झपट्टा मारकर पर्स लूट लिया। महिला के शोर बचाने के बाद पब्लिक ने पर्स लूटकर भाग रहे लुटेरों को दबोच लिया और लुटेरे की पिटाई के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। ये क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ से वो लेडीज जा रही थी, पर उसमें से बैठ के क्या ना रिक्शा में जा रही थी, ई रिक्शा में, और यहाँ से जो है फिर वो फोन पे बात कर रही थी, उसका पर्स एक हाथ में था, उसके पर्स सीना हाथ से लड़के ने सामने गली में वो भगा। जैसे उन्होंने देखा बंदा, तो इधर से घूम के फिर वापसी आ गया, यहाँ पकड़ लिया लोग बागों ने, और चोरी करके भग रहा था। लाल अपाची थी लौंडे पर, नाम अपना शलभ गुप्ता, वो ऋषभ काजला बता रहा था। कितने लोग थे जब लूट करी थी बाइक पर? सवार थे? बाइक पर एक ही जना था। एक ही जना था। अब जैसे पुलिस आई है, क्या कार्रवाई, क्या हुआ? पुलिस अब ले गई है, मैडम तहरीर देने के लिए मना कर रही थी डर के मारे, अब देखो मैडम देगी तहरीर उसकी। कुछ जानकारी, कितना पर्स में कितना कैश, क्या क्या था? 20,000 रुपये कैश थे, और एप्पल का फोन, और एप्पल का मोबाइल था, वो एप्पल की स्क्रीन टूट गई फोन गिरने से। अब आरोपी को पकड़ा गया? वो हाँ, आरोपी पकड़ा गया।